एक पुत्र का कोई भी अधिकार नहीं होता है अपने माता-पिता के संपत्ति के ऊपर ये फिर से प्रूव हो गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के द्वारा और क्या था ये जजमेंट का फैक्ट्स ओल्ड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस के प्रोटेक्शन के लिए दैट इज एमडब्ल्यूपीएससी एक्ट 2007 ये एक्ट का उद्देश्य है मेंटेनेंस एंड एफिशिएंट वेलफेयर करना सीनियर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस के तो अगर आपको भी परेशान किया जा रहा है अपने बेटा या फिर उनके बहू के द्वारा प्रॉपर्टी के ऊपर दखल बनाने के लिए तो आप किस तरीके से ये जजमेंट को काम में लगा करके इसका बेनिफिट आप ले सकते हो एंड उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हो सो हाई एवरी वन मैं हूँ एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डी कोर्ट दिला हम लोग ऐसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बताते रहते हैं आम जनता को ताकि उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल सके और वो जागरूक बन सके तो केस का नाम है हेमंत गमनलाल मेहता वर्सेस स्टेट

अब हेमंत जी के जाने के जाने बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया था उनके बेटे के नाम पर बेटा और उनके वाइफ और मंजुला बेन यानी कि हेमंत जी के पत्नी एक साथी एक फ्लैट में रहते थे अब हेमंत जी के जाने के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया था उनके बेटे के नाम पर कुछ दिन बाद मंजुला बेन को घर से निकाल दिया जाता है उनके बेटा एंड बहू के द्वारा उस समय उनका उम्र हो रहा था 88 इयर्स। उनके मेंटेनेंस के लिए एंड जो सारे मेडिकल कंडीशंस चल रहा था उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा था और उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए कोई भी खर्च भी नहीं दिया जा रहा था बेटे के द्वारा 88 इयर्स की उम्र पर मंजुला बहन के लिए अपना जो सारे बेसिक नीड्स होता है उसको खुद से fulfill कर पाना बहुत ही दिक्कत हो रहा था अब इसी बीच में बेटा और उनके बहू के द्वारा और भी प्रेशर बनाया जा रहा था बाकी और जो दो प्रॉपर्टी था उनके नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए और इसके बारे में मंजुला बन पुलिस कंप्लेन भी रजिस्टर किए थे अब ऐसा स्थिति में उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर ट्राइब्यूनल पर एक केस फाइल करते है प्रॉपर्टी को हैंड करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा वगैरह देने के लिए इसी के साथ जो एक करोड़ रुपए का लोन दिया गया था वो अमाउंट को भी रिटर्न करने के लिए बोला गया था अब सीनियर सिटीजन वेलफेयर ट्रिब्यूनल दोनों पक्ष के मैटर को सुनते हैं सुन करके ये डिसीजन लेते हैं इनके मेंटेनेंस के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं दिया जा रहा है उनके बेटे के द्वारा इसी के साथ जो मेडिकल खर्च वगैरह होता है ट्रीटमेंट के लिए उसके लिए भी कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है और यही सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ट्राइब्यूनल मंजुला देवी के फेवर में जजमेंट पास करते है प्रॉपर्टी को हैंड करने के लिए और पर मंथ मेंटेनेंस के हिसाब से पच्चीस हजार देने के लिए डायरेक्शन देते है उनके बेटे को ट्राइब्यूनल ये भी बोलते है हेमंत जी के गुजारने के बाद प्रॉपर्टी के सोल मालिक बनते है अधिकार होता है उनके वाइफ के अभी बेटा इस वक्त एग्रीब्ड होकर के केस लेकर के पहुंच गए हाईकोर्ट के पास एक रेट पिटिशन फाइल करते अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहां पर जा करके वो ये आर्गुमेंट पेश करते हैं दैट प्रॉपर्टी के सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अधिकार उनके मम्मी के पास नहीं है बल्कि वन टेंथ अधिकार उनके बेटे का भी बनता है और हाईकोर्ट सभी चीज को दोनों पक्ष के मैटर को डिटेल में समझते हैं और ये कंसीडर करते हैं तो जो फैमिली अग्रीमेंट बनाया गया था उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का सोल ओनर होते हैं उनके मम्मी यानी कि मंजुला देवी इसी के साथ बेटा कहते हैं दैट तो ट्राइब्यूनल के पास कोई भी जुरिस्टिक्शन नहीं है दस हजार रुपए से ज्यादा मेंटेनेंस पर मंथ पास करे क्योंकि सेक्शन नाइन ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट में दस हजार रूपए से ज्यादा मेंटेनेंस ऑर्डर पास करने का कोई भी कानून नहीं डाला गया है तो इस हिसाब से पच्चीस हजार रूपए मेंटेनेंस को खारिज करना चाहिए अभी माननीय हाई कोर्ट डिटेल में समझ करके ये जजमेंट पास करते हैं द ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर पास किए वो एब्सोल्युटली राइट right है उसको ही समर्थन करते हैं बट जो पच्चीस हजार रुपये वाला अमाउंट था उसको रिड्यूस करके दस हजार रुपये कर दिया जाता है क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट में दस हजार रुपये ही लिमिट किया गया है यहाँ पर भी हाई कोर्ट फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट को रेफरेंस पर लेते हैं और प्रॉपर्टी को हैंड करने के लिए डायरेक्शन देते हैं यानी कि बेटे के द्वारा प्रॉपर्टी वापस करने की ऑर्डर दिया जाता है सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हिम्मत मिला है अगर आपको परेशान किया जा रहा है अब इस तरीके से उन लोगों को पनिशमेंट दिला सकते हो इसी के साथ मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगी अगर आप ये बढ़ते हुए उम्र पर कोई भी कोर्ट कचहरी के झमेला पर नहीं पढ़ना चाहते हो तो बेहतर आपके लिए यही होगा अब वसीयत लिख दीजिए और अगर आप कोई गिफ्ट डिट बना रहे हैं सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट का जिक्र जरूर कीजिएगा यहाँ पर बोला गया है अगर आपके बेटा या फिर बेटी जिनको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो प्रॉपर्टी एक बार मिल जाने के बाद आपको वो लोग मेंटेन नहीं कर रहे कोई भी आपका भरण पोषण के दायित्व नहीं ले रहा है आपको बिल्कुल अकेला कर दी है तो आपका दिया हुआ प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ जाएगा उन लोगों के पास से प्रॉपर्टी आप रिक्लेम करके वापस ले सकते हो और इसको मैं डिटेल में इस वीडियो में बता रखी हूँ आप चाहो तो इसको देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है अभी वसीयत के बारे में जो मैं आपको बोल रही थी वसीयत आपको किस तरीके से लिखना है मैं डिटेल में इस वीडियो में बता रखी हूँ क्योंकि वसीयत एक बहुत ही डिटेल वास्ट टॉपिक हो जाता है है कानून में इसके बारे में कोई भी प्रोफॉर्मा नहीं दिया गया है तो ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर हो जाता है डिस्प्यूट किस तरीके से आउट करना है इसके बारे में आप ये वीडियो देखिए आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा और यही केस में हाईकोर्ट ये भी रिमार्क पास किए दट बेटे का और बहू का ये उचित था अपने मम्मी को इस घर से निकाल देना नहीं उनको केयर करके मेंटेन करके अपने साथ रखना उनका जो बढ़ते हुई उम्र पर जो सारा का सारा एक्सपेंसेस हो रहा है उसको ठीक तरीके से देखना तो इस जजमेंट से ये प्रूव हो जाता है अपने बेटे का कोई भी अधिकार नहीं होता है अपने मम्मी पापा के प्रॉपर्टी के ऊपर दादागिरी करके नहीं वो उनके महानुभव उनके कृपा दया से वहां पर रह सकते हैं हाई कोर्ट एकदम गंभीर तरीके से बोले दैट अगर कोई सीनियर सिटीजन या फिर ओल्ड पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है उनके ऊपर नुइसेंस किया जा रहा है इमोशनल डिस्टर्बेंस किया जा रहा है तो एमडब्ल्यू पी एस सी एक्ट का पर्पस ही खत्म हो जाता है ये एब्सोल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट टू थाउजेंड सेवन का पर्पस ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो इसको ही देखते हुए हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को समर्थन करते हैं सो दैट्स इट इन दिस वीडियो उम्मीद करते हुए कुछ वैल्यूएबल मिला है अगर मिला है ऐसी ही और कंटेंट के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आपके दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन को जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो लोगों को भी ऐसा जानकारी मिल पाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो